खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है और मुख्तार अंसारी के बाद अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद की बात करें और अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा है, रंगदारी मांगना है, वो भी जेल के भीतर से रंगदारी मांगने का मुकदमा है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवा है, 15 लाख रुपए की रंगदारी और देवरिया जेल में मारपीट का ये मामला है और ज्यादा अब शिकंजा कसता चला जा रहा है कानून। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है और मुख्तार अंसारी के बाद अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद की बात करें और अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा है, रंगदारी मांगना है, वो भी जेल के भीतर से रंगदारी मांगने का मुकदमा है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है, 15 लाख रुपए की रंगदारी और देवरिया जेल में मारपीट का ये मामला है और ज्यादा अब शिकंजा कसता चला जा रहा है कानून। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है और मुख्तार अंसारी के बाद अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद की बात करें और अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा है, रंगदारी मांगना है, वो भी जेल के भीतर से रंगदारी मांगने का मुकदमा है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है, 15 लाख रुपए की रंगदारी और देवरिया जेल में मारपीट का ये मामला है और ज्यादा अब शिकंजा कसता चला जा रहा है कानून। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है और मुख्तार अंसारी के बाद अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद की बात करें और अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा है, रंगदारी मांगना है, वो भी जेल के भीतर से रंगदारी मांगने का मुकदमा है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है, 15 लाख रुपए की रंगदारी और देवरिया जेल में मारपीट का ये मामला है और ज्यादा अब शिकंजा कसता चला जा रहा है कानून। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है और मुख्तार अंसारी के बाद अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद की बात करें और अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा है, रंगदारी मांगना है, वो भी जेल के भीतर से रंगदारी मांगने का मुकदमा है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है, 15 लाख रुपए की रंगदारी और देवरिया जेल में मारपीट का ये मामला है और ज्यादा अब शिकंजा कसता चला जा रहा है कानून।